क्षेत्र अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद वाले मामले में शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 17 नवंबर से पहले किसी भी तिथि में यह फैसला आ सकता है। ज्यों ज्यों फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, त्यों त्यों प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर पहुंच रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और आम जनमानस से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में आज कोतवाली मेहरौनी परिसर में नवागंतुक जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग की भी प्रमुख मौजूदगी रही। इस मीटिंग के दौरान अनेक जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, व्यापारी, नगर व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति एवं पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी आम जनमानस से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला आ रहा है वह सर्वमान्य होगा। फैसला किसी के भी हक में जाए, लेकिन हमें अमन और शांति, जिसके लिए हमारा क्षेत्र जाना जाता है, उसको बरकरार रखना है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग ने कहा कि मेहरौनी के लोग बड़े ही प्यारे हैं और यहाँ सभी के बीच में परस्पर भाईचारा है। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि इस दौरान कुछ अराजक तत्व तो अमन और शांति में जहर घोलने का काम करेंगे, लेकिन हमें किसी की बातों में नहीं आना है। फैसला आए तो किसी भी प्रकार का हमें कोई जश्न नहीं मनाना है, कोई आतिशबाजी नहीं फोड़ना है और सार्वजनिक स्थलों पर कोई प्रदर्शन नहीं करना है। इसके अलावा जो सोशल साइट हैं, उन पर भी कोई ऐसे भड़काऊ, भ्रामक या अफवाहों वाले पोस्ट शेयर नहीं करना है, जिनसे क्षेत्र में अमन और शांति खराब होने का अंदेशा पैदा हो। उन्होंने आशा जताई कि यह क्षेत्र शांति प्रिय है और यहाँ ऐसी कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आएगी जिससे अमन और सौहार्द में जहर घुले। उन्होंने सभी आम जनमानस से अपील की कि इस मामले में वह प्रशासन का सहयोग करें और यदि कहीं कोई संवेदनशील मामला नजर आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। इस अवसर पर SDM मेहरौनी ज्ञानेश्वर प्रसाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी श्याम नारायण, EO नगर पंचायत मधुसूदन जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्षा कृष्णा सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दरियाव सिंह, बाबूलाल नायक रिटायर्ड शिक्षक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जनपद में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला के नगर आगमन पर नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्णा सिंह द्वारा अधिकारी द्वय को बुके भेंट करके नगर वासियों की ओर से स्वागत किया गया। महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहां पर हमें आज अपने सम्मानीय जिलाधिकारी महोदय का मार्गदर्शन, कुछ आवश्यक सुझाव, कुछ नसीहतें हमें अवश्य यहां पर मिलेंगी और इस कार्यक्रम में सम्मानीय पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM देव साहब भी कुछ ही पलों में हमारे बीच होंगे और उसके बाद आज की ये जा रही है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है और उसके साथ साथ आम जनमानस से ये अपील की जा रही है कि प्रशासन कोई अलग नहीं है, प्रशासन आपके लिए ही है, आपकी व्यवस्थाओं के लिए है। तो प्रशासन द्वारा आम जनमानस से इस कार्य में सहयोग मांगा जा रहा है। और सर आपको बता दें कि ललितपुर जनपद हमारा बेहद शांति प्रिय जिला है और दूर दूर तक अपनी शांति प्रियता, यहाँ के कौमी एकता और अमन चैन के लिए विख्यात है। तो आशा करते हैं फैसला कोई भी आएगा, किसी के भी हक में आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। हम भारत के एक लोकतंत्र देश के प्राणी हैं, जहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च मानी जाती है और न्यायपालिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश आएगा उसको सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और इसी तरह का आश्वासन हम अपने मेहरौनी क्षेत्रवासियों की ओर से आपको देना चाहते हैं। और आगे नवागंतुक जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल, वो आज मेहरौनी नगर में पहली बार आए हैं और यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक को संबोधित किया है। जिलाधिकारी महोदय से हम जानना चाहेंगे कि आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था और क्या संदेश लोगों को दिया गया है। सर, आज की जो बैठक हम लोगों ने यहाँ पे बुलाई थी वो
सभी जो गणमान्य नागरिकगण हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके साथ बैठक बुलाई गई थी। और इसमें हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो अभी आने वाला निर्णय है, उस निर्णय से किसी भी समुदाय की, किसी भी संप्रदाय की, किसी व्यक्ति की विशेष की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो हमें, चूँकि अपना देश महान देश है जी, महान लोकतंत्र है और विश्व में इसकी मिसाल है जी, ऐसी जगह पे जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो स्तंभ है जी, उनका जो निर्णय आए उसे हर व्यक्ति, संप्रदाय, धर्म सबको सम्मान देना है और किसी प्रकार की किसी भ्रांति या किसी अफवाह या किसी सोशल साइट्स पे भ्रमित नहीं होना है। यही इसी जानकारी के लिए और यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों से बात हुई। सब लोगों ने बड़े सौहार्द से हमें सब ने आश्वस्त किया कि सब यहाँ जो है वैसे भी ललितपुर जनपद सांप्रदायिक सौहार्द में मिसाल कायम करता है और ललितपुर जनपद का और पूरे क्षेत्र का, न केवल प्रदेश में बल्कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द में एक विशिष्ट स्थान है। तो ये कह रहे हैं कि हम इसको और गौरवान्वित करेंगे, ये आश्वासन। एक तो सभी संप्रदाय नागरिकगण से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में जो शांति व्यवस्था अभी बनी हुई है वैसे ही बना रखने के लिए ये अपील की जा रही है कि इससे कोई भी खुशी या गम ये सड़क पे प्रदर्शित नहीं होगा, ये सीमित होगा घर तक। और किसी भी दशा में कोई भी सोशल मीडिया पे साइट पे किसी तरह की अगर कोई गलत पोस्ट करता है जिससे किसी की धार्मिक भावना आहित होती है तो हम उस पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा यहाँ का इतिहास है कि इस तरह की कोई बात यहाँ नहीं होगी और प्रेम भाईचारे का जो मिसाल यहाँ है वो कायम रहेगा और निर्णय आने के बाद भी एक अच्छी स्थिति ऐसी जैसी अभी है वैसी बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। एम साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैरोनी के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ का इतिहास बहुत अच्छा रहा। लगभग 11 महीने से मैं सबको देख रहा हूँ और मैं इसको एक परिवार जैसा महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं मैरोनी के बीच में एक परिवार के बीच में एक सदस्य के रूप में हूँ। बहुत ही प्रेम और भाईचारा है, सभी धर्मों सभी वर्गों के लोग आपस में बहुत ही मेल मिलाप के साथ रहते हैं। किसी तरह का कभी मुझे इन दिनों जब से मैं हूँ कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई कि विद्वेष की भावना से, और अगर छोटी मोटी कोई बात हुई तो उसकी समस्या हम लोग तक आती है तो उसको बैठ के समाधान हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे और प्यारे लोग हैं, अपने परिवार का हिस्सा हैं। अब जिस उद्देश्य से मैं डीएम साहब और हम दोनों लोग यहाँ आए हैं उसके विषय में दो मिनट चर्चा करूँगा मैं। देखिए, अपना देश एक बहुत महान और बहुत ही सॉलिड, जिसको मैं कहूँ, लोकतंत्र है। पूरे विश्व में इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं नहीं है जो अपना भारत देश है। अपने भारत देश के लोकतंत्र की एक जो नींव होती है, बुनियाद होती है, उसमें एक स्तंभ होता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सर्वोच्च जो न्याय का मंदिर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप सब अवगत हैं कि अयोध्या प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया जाना अपेक्षित है जो 17 नवंबर से पहले कभी भी आ सकता है। 17 नवंबर इसलिए कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनका रिटायरमेंट है और वही उस खंडपीठ को हेड कर रहे हैं, तो उससे पहले ही वो जजमेंट देंगे। जजमेंट आना है ये निश्चित है, 17 से पहले आना यह भी निश्चित है। क्या आएगा ये किसी को नहीं मालूम, ये माननीय न्यायाधीश बन जाने ये उनका निर्णय जो होगा। लेकिन चूंकि इसमें एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, किसी के पक्ष में आएगा किसी के विपक्ष में आएगा। हमारा क्योंकि भारतवर्ष एक महान देश है, लोकतंत्र का एक बुनियाद है, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि इस देश में हम लोग हमेशा माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, चाहे वो छोटा सा आधा सा किसान हो गांव का, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, जो हमारे माननीय न्यायालयों ने आदेश दिया उसका अच्छा सा हम लोग पालन करते हैं। वही काम आज भी होना है और आगे भी होगा। जो निर्णय आने वाला है उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा काम हम सभी संविधान नागरिकगण जो है बैठे हैं, चाहे वो किसी भी गांव से हो, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो अभी सामान्य स्थिति है उससे हट के कुछ हो।
मेरा अनुरोध, विनम्र अनुरोध सभी लोगों से ये है कि जो भी इसमें पक्ष या विपक्ष में आने वाला हो, कोई खुशी किसी को मिले, किसी को गम मिले, ये खुशी या गम ये व्यक्तिगत है और घर तक सीमित है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी खुशी या गम का प्रदर्शन रोड पे सार्वजनिक स्थानों पे नहीं होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये निर्देश भी है, ऊपर से आदेश भी है और मैं समझता हूँ कि इसको अक्षरशः पालन भी करना चाहिए, कि सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के अपने देश के ऊपर कोई नहीं। उसके निर्णय को सर माथे पे लगाते हुए जो भी निर्णय होगा सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लोगों को पालन करना होगा और एक सामान्य स्थिति जो अभी है वैसे ही बनी रहेगी, इसमें हम सबों को योगदान करना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमारे भाई ने बोला था कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आश्वस्त नहीं, पूरा विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ कि महरौनी में हमारे जो हमारे भाई हैं वो इसी तरह का माहौल जो अच्छा शांतिपूर्ण है ऐसे ही बना के रखेंगे, इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी बात, व्हाट्सएप पे आजकल या फेसबुक पे कुछ टिप्पणियां कई बार लोग करते हैं, मैं इस विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक करना चाहूंगा। चुनिंदा लोग 0.1% ऐसे हो सकते हैं समाज में जो भड़काने वाला कोई काम करें। हमारा इस वक्त लखनऊ से लेके ललितपुर तक पूरा मीडिया को हम लोग स्कैन कर रहे हैं, हम लोग मीडिया को एक्सेल के माध्यम से सब देख रहे हैं कि किसी के द्वारा इस तरह की पोस्ट तो नहीं की जा रही जो किसी की धार्मिक भावना को आहत कर रहा हो। कतई किसी तरह की पोस्ट अगर कोई आपको मिलती है तो उसको वहीं डिलीट करें, जो ग्रुप एडमिन का काम उसको तत्काल वहीं रोके और हम लोग तक ये बात पहुँचाए। हमारी मीडिया सेल जो है वो खुद भी मॉनिटर कर रही है, पिछले दिनों कुछ लोगों ने गलती करी थी, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है, उनको जेल भेजा। किसी भी दशा में किसी भी धार्मिक व्यक्ति की भावना को आहत नहीं किया जाएगा, सब लोग समान रूप से रहेंगे और हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह का कोई भी काम करेगा, जो किसी भी धर्म के प्रति विद्वेष फैलाने की बात हो या आहत करने की बात हो। लेकिन हम लोग का क्या फर्ज है कि इसमें मान लीजिए कहीं किसी को दिखा तो उसमें से उद्वेलित ना हो, उसी से कहीं से एकदम से हम उसमें गुस्से में ना आए। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट कर रहा है, जो इस तरह की मैसेज डाल रहा है, उसका उद्देश्य यह है कि हम उद्वेलित हों, हम आंदोलित हों और वो उद्देश्य में सफल हो जाएगा अगर हम भीड़ में चल दिए, 10 आदमी चल दिए कि साहब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं। डीएम साहब हैं, मैं हूँ, मेरे संज्ञान में डालिए, एक व्यक्ति ही डाल देगा, फोन से ही बात कर लेगा, बाकी काम करने का हमारा पुलिस प्रशासन का काम है, हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जैसा मैंने पहले बताया। तो ढेर सारी जो आप लोगों के बारे में अच्छी बातें हमने बताई हैं, डीएम साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सभी महरौनी की जनता की तरफ से कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सब कुछ संपन्न होगा। एक अभी त्यौहार भी आने वाला है, फिर हमारे जैन बंधुओं का भी एक हमारे बहुत ही श्रद्धेय गुरु जी आने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण और प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ संपन्न होगा। मैं अपनी बात यहीं विराम करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम लोग का मान सम्मान और जिले का नाम जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं इंडिया में फेमस है कि ललितपुर से अच्छा शांतिपूर्ण जिला कहीं